जब आपका एलईडी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आप क्या करते हैं? अगर इसका वारंटी बचा हो तो कंपनी इसे बदल देगा, या नहीं बचा हो तो ये आप फेंक देते होंगे। पर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा इसे ठीक करने का, जिसे आप 5 रुपये लगा के आप इस बल्ब को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि इस बल्ब में ये कवर के अलावे इसमें दो ही चीज़ होती है। जो पहला होता है वो होता है इसका पीसीबी, और दूसरा इसमें होता है एलईडी। तो 90% चांस है कि इसका एलईडी ही ख़राब हुआ होगा, क्योंकि इसका पीसीबी नहीं ख़राब होता है, बहुत मतलब रेयर केस में इसका पीसीबी ख़राब होता है। तो आज हम इसका एलईडी चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ 5 से 7 रुपये लगा के आप इसे लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। तो बिना देरी किए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें खोलना होगा इस वाइट वाले डब्बे को, ताकि एलईडी हम इसके अंदर से निकाल सकें। तो जब तक हम इसको खोलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसा ही और भी वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी हम पहले इसको खोल लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी तरह से पैक है, तो उसके बाद हम इसके अंदर का दिखाते हैं। तो अभी हम इस बल्ब को खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं अंदर एक एलईडी है, और मैक्सिमम चांस यही है कि आपका एलईडी ही ख़राब होगा। तो इसे अब हम बदलेंगे। तो एलईडी हम आपको दिखा दें, तो इस तरह का एलईडी आपको मार्केट में 5 रुपये से लेके 8 रुपये के बीच मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होते हैं। तो अभी हम इसको उसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसका पीसीबी सही है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर का यूज करना होगा। तो आप देख सकते हैं 120, 118, 117 इस तरह का वोल्टेज दिखा रहा है। तो कोई भी जो एलईडी का बल्ब होता है वो 110 वोल्ट के करीब देता है। तो अब हम इसका जो है एलईडी को चेंज करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लाइन काट दिए हैं। हट गया है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है, वो देख के ही आप लगाएं। अमूमन ये रेड कलर का जो वायर होता है वही प्लस होता है, और ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो माइनस होता है। तो अब हम इसमें एक नया एलईडी लगाएंगे, जो कि ये है मेरे पास। तो इसका वायर इस होल के ज़रिए हम ऊपर ले आएंगे इस तरह से। फिर हम इस क्लिप को दोबारा से इसे अटैच करने के लिए ऊपर से प्रेस कर देंगे। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए तो प्लस वाला वायर को प्लस में और माइनस वाला वायर को माइनस में अटैच कर देंगे। तो अब ये सेट हो चुका है। तो एक बार हम लाइन दे के देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने लाइन दिया, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने बल्ब को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको एलईडी लेना होगा, जो कि 5-7 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।